हेलो गाइस, तो मेरा पहला ब्लॉग है, पहला ट्रैवल ब्लॉग। हाँ, जा रहा हूँ मैं हिचाइक करके कोलकाता से, पहले सिलीगुड़ी, फिर दार्जिलिंग, एंड देन उसके बाद अगर सिक्किम का बॉर्डर खुला हुआ रहेगा तो सिक्किम भी जा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी हूँ बारासात में और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, सुबह के 8 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे मैं घर से निकला हूँ। और यहाँ पे मैं सिटी में तो चेक करना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा सिटी के बाहर आ गया। तो गाइस, अभी मैं हाईवे में आ पहुँचा हूँ। अभी ये बारासात से थोड़ा अंदर में आया हूँ, यहाँ से मैं अपना हिचहाइकिंग स्टार्ट करूँगा। यहाँ से दार्जिलिंग 592 किलोमीटर्स हैं, और कुछ लोगों को जिसको नहीं पता हिचहाइकिंग क्या है उनको समझा देता हूँ। हिचहाइकिंग आपका लिफ्ट मांग के जाना होता है। नॉर्मली ट्रैवलिंग में 3 खर्चा आता है, एक हो गया आपका ट्रैवलिंग का, सेकेंड होता है आपका जहाँ आप रहते हो स्टे का, तीसरा आपका खाने का। तो अभी तो कोविड का सिचुएशन है तो फ्री में एक रहने के लिए एक ऑप्शन है, पर वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिचहाइकिंग अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से लिफ्ट मांगना स्टार्ट करूँगा, देखते हैं कितना देर में मुझे लिफ्ट मिलता है। 592 किलोमीटर से एटलीस्ट हाँ कितना तक कवर कर पाता हूँ यही बड़ा बात है। लिफ्ट मांगना स्टार्ट कर दिया मैंने, पर कोई लिफ्ट तो नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं आगे। यहाँ मेरा बैग पड़ा हुआ है और मेरा मेन एम रहेगा ट्रक से मैं लिफ्ट लूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रक से लिफ्ट लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा। और सुबह निकला इसीलिए गलती कर दिया मैंने, कोई हिचहाइकिंग के लिए एक बोट रहना अच्छा बात है जो मेरे पास है नहीं। तो देखते हैं, एक ट्रक आ रहा है, पता नहीं रुकेगा कि नहीं। पब्लिक ऐसे घूम घूम के देखते हैं ना, मत पूछो। तो चलो गाइस, वेट करते हैं लिफ्ट के लिए। तो गाइस, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुके हैं, अभी तक कोई लिफ्ट तो नहीं मिला। आगे देखते हैं कोई लिफ्ट देने लायक कोई आ भी नहीं रहा है। देखते हैं, यहाँ पे बैग भी रखा हुआ है मेरा। हाँ, कोई ट्रक आए तो, इधर का ट्रैफिक का मोमेंट थोड़ा स्लो है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, वो फोटो भी। तो चलो लिफ्ट मिलते हैं तो फिर वीडियो करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और मेन प्रॉब्लम यहाँ का है कि यहाँ पे कोई टोल नहीं है, ना ही कोई ढाबा है। मैं एकदम NH के स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, थोड़ा सा आगे वॉक कर रहा हूँ, पता नहीं आगे कुछ मिल सकता है। यहाँ तो फ़िलहाल कुछ कोई लिफ्ट मिल नहीं रहा है और यहाँ से ट्रक बहुत कम ही गुजर रहा है। सो गाइस, दिन की पहली लिफ्ट मिली है, ये भैया आपका नाम ज्वेल तालुकदार, ज्वेल भाई से मिली है। और भाई आपका नाम प्रतीक, आप कहाँ पे रहते हो? मथुराम पे। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो? मैं रहता हूँ टाला पुलिस स्टेशन। तो सिलीगुड़ी से किधर जाओगे? सिलीगुड़ी से प्लान है मेरा दार्जिलिंग जाने का। दार्जिलिंग से अगर सिक्किम बॉर्डर अगर मिलेगा खुला तो मैं वेस्ट सिक्किम भी जाऊँगा और मैं पूरा ये हिचहाइक करते करते जाऊँगा।
ट्रिप? सोलो ट्रिप अकेला, और टेंट अभी नहीं लिया है, और बाकी और दूर जाऊंगा तो टेंट भी लेके जाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आमडांगा में हैं, 210 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है मुझे, और ज्वेल भाई ने कुछ 4 साल तक ये मिनी ट्रक चलाते हैं, तो ज्वेल भाई का कुछ एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे। तो ज्वेल भाई आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए चलते चलते रास्ते में। कैसा सुनना चाहोगे आप एक्सपीरियंस? मतलब भयानक वाला बोलिए। भयानक? हाँ, तो मेरे लाइफ में बहुत हुआ। हाँ, तो एक बार नेपाल गए थे, ठीक है? अच्छा, ट्रक लेके नेपाल गए। अच्छा, किसी कारण उधर ना बंद हो गया था, बॉर्डर क्रॉस करके रुक गया था, उधर ही थोड़ी माल खाली होगा, ठीक है? अच्छा, तो रुक गए थे, पूरा सब दुकानों का सब बंद था। अच्छा अच्छा, 4 दिन से उधर मूढ़ी खा के, मूढ़ी है ना, हाँ वो खा के कटाया मैंने, चार दिन मूढ़ी खा के, मूढ़ी एंड जॉल। अच्छा, मतलब लॉकडाउन टाइप का था क्या? हाँ, कुछ ये कितना दिन पहले? पॉलिटिशियन कुछ था उधर। अच्छा अच्छा, आप कितना दिन पहले बोलिए तो? ढाई साल पहले। अच्छा, तो आप लोग का लाइफ में ये सब हेक्टिक चलता रहता है ना? कोई चलता रहता है ना, कोई खाने का कोई ठीक रहता है ना, घर जाने का ना, फैमिली से टाइम स्पेंड कर पाते हैं? फोन में बात होता है, फिर भी फोन में बात और एक फैमिली के साथ टाइम मिलकर स्पेंड करना, वो तो एक डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो गाइस, जो लोगों को आपको नहीं बताया ना कि आप ट्रक ड्राइवर को इतना डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो गाइस इन लोग के बारे में भी थोड़ा जानो आप। यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, थोड़ा लंच करने के लिए रुके हैं। ये जगह आपका मायापुर से थोड़ा आगे है, 10-20 किलोमीटर आगे है, और मेरा सिलीगुड़ी में एक पोस्ट है, तो मैं बोल दिया हूँ कि मैं ऐसे इतना यहाँ पे मैं अपना अपडेट दे दिया हूँ। और मेरा एक दोस्त और है मालदा में है, तो और ये भैया मुझे जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से और 100 किलोमीटर होगा मेरा दोस्त का घर, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर कोई डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाता है सिलीगुड़ी का तो रात ट्रक में ही बीत जाएगा, और लिफ्ट भी मिल जाएगा, मैं सुबह पहुंच भी जाऊंगा, तो जैसे जो होगा वो देखा जाएगा। और चलिए मिलते हैं, हम लोग का जो दादा है हमको लिफ्ट दिया है, ज्वेल दा बहुत ही जॉली है और दिल का बहुत साफ है। और हम लोग का और एक दादा है बिट्टू भाई और ज्वेला का बात हो रहा था कि बिट्टू भाई लड़कों से बात कर रहा है, लड़की से बात नहीं करता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें माछ खाई ना, हमें एटा ही ठीक, तो खाने बैठ गए और हाँ टॉक दो। और खाने में ये है आलू भुजी
कुछ सब्जी, ये भी आलू की कुछ सब्जी, दाल और दही ऑर्डर किया हूँ, दही खाने वाला हूँ। तो गाइस खाना खाना हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं डेस्टिनेशन। बेलडांगा में है ये, कुछ सामान हम लोग का गाड़ी से उतर रहा है, ये उतर जाएगा तो हम लोग फिर आगे के लिए चलेंगे। ये गाड़ी में हमें लिफ्ट मिली थी और 210 किलोमीटर की लिफ्ट दिया है। फिलहाल मुझे ये भाई यहाँ पे अलविदा कह रहे हैं, मुझे अगली लिफ्ट के लिए ढूंढना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, तो अगर 3 घंटे में कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे कुछ जुगाड़ करके रुकना पड़ेगा। जुएल भाई के साथ यहीं तक हम लोग का सफ़र था, अभी जुएल भाई को बाय बाय बोलना है और मुझे दूसरी लिफ्ट की तरफ देखना है। जुएल भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, अच्छा सफ़र हो, सेफ हो। ओके चलो सही से जाना। ओके थैंक यू। लिफ्ट मिल गई है मालदा तक। थैंक यू। এই দাদা আমাকে লিফট দিয়েছে, দাদার নাম মোবারক, দাদার নাম মোবারক। এই ভাইও আছে, ভাইয়ের নাম বলো কামাল হোসেন, আর এই দাদাও আছে। তো দোস্তো মোবারক ভাই নে মুঝে মালদা তক কি লিফট দি থি আর মে ইয়াহা পে উতর কে এক হোটেল রেন্ট পে লে লিয়া জো কি মুঝে 300 রুপিস কি আইয়ো। यहाँ पे वाई फाई फैसिलिटी भी है और रूम भी अच्छा खासा ही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एसी नहीं है, 300 में एसी नहीं मिलेगा, तो ठीक है मैं रह लूँगा। मेरा मेनली जो काम है मैं वो काम सल्टा के सो जाऊँगा और सुबह 5 बजे मैं फिर निकल जाऊँगा नेक्स्ट किचन टीम के लिए। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही, आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर।
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।